हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के ऊपर। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस कंपनी से रिलेटेड। यहाँ पे हम लोगों को बैक टू बैक दो बड़ी अपडेट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। सो ऐसे में कुछ सवाल यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जाते हैं कि क्या हम लोगों को इस कंपनी को बाय करना चाहिए, या फिर बहुत सारे लोग जिन्होंने इसको बाय किया होगा तो क्या आप उनको ऐड करना चाहिए। तो उससे भी रिलेटेड जो सवाल है उसके भी जवाब यहाँ पे हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज का जो इसका परफॉर्मेंस है उन्हीं दो न्यूज़ के बेसिस पे इस कंपनी में करीब 3.5% के आसपास हम लोगों को रैली देखने को मिली है। एंड आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे एक महीने का भी चार्ट देखें तो 15-16% का रिटर्न्स इस कंपनी ने यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम रिटर्न्स देखें तो वो भी हम लोग कह सकते हैं कि ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, जो कि 22% के आसपास यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जुलाई से अभी तक 4 से 5 महीने के रिटर्न्स की बातें करें तो 22% अच्छा ही होता है। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिसके बाद अगर आप चाहें तो इस कंपनी को यहाँ पे ऐड कीजिए या फिर सेल कीजिए, वो आपकी मर्जी रहेगी। सो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे पहले अपडेट के ऊपर आ गए हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव ये अपडेट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। वो कैसे, अभी हम न्यूज़ को जब देखेंगे तब आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है जोमेटो, उन्होंने अनाउंस किया है कि साउथ अफ्रीका में जो इनकी सब्सिडरी है जोमेटो साउथ अफ्रीका प्रॉपर्टी स्टेप डाउन सब्सिडी ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में ये सब्सिडरी यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। उसकी यहाँ पे बातें चल रही कि उसको यहाँ पे डी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है साफ। तो दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो सब्सिडरी है दोस्तों साउथ अफ्रीका में, उसको यहाँ पे बंद करना चाह रही है, बंद करने जा रही है। ठीक है, क्यों बंद करने जा रही है दोस्तों, ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कोई भी एक्टिव बिजनेस ऑपरेशंस यहाँ पे हम लोगों को इसमें देखने को नहीं मिल रहा था। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो ये डिसीजन है दोस्तों जोमेटो का, ये हम लोग कह सकते हैं कि राइट डिसीजन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे हो नहीं रही थी, तो उसको बंद कर देना ही समझदारी रहेगा, क्योंकि वहाँ पे खर्चे आते हैं। तो खर्चा एक हिसाब से बंद करने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि खर्चा बचेगा ही अपना। तो ये एक अच्छा डिसीजन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है, जिसके वजह से भी हम बोल सकते हैं कि इस कंपनी में आज जो रैली देखने को मिली, शायद से इसके वजह से भी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। दोस्तों, अभी यहाँ पे हम लोग अपने सेकंड न्यूज़ के ऊपर आ गए, जो कि आप देख सकते हैं कि एक्वाइजेशन सिलेटेड ये देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो न्यूज़ है वो पुरानी है, लेकिन यहाँ पे जो न्यूज़ है आप देखिए, जोमेटो ने एक्वाइजेशन जो सैमसंग टेक था उसका एक्वाइजेशन यहाँ पे पूरा कर लिया है, कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टेक यहाँ पे इन्होंने बाय किया है वो 16.1% स्टेक देखने को मिल रहा है, जो कि हम कह सकते हैं कि ओवर 371 करोड़ से ओवर यहाँ पे हम लोगों को ये डील देखने को मिल जा रही है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बाद ये जो अपडेट आए उसके बाद इस कंपनी में जोमेटो में 2% से ज़्यादा की रैली हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। तो दोनों ही न्यूज़ जो देखा जाए हम लोगों को इस कंपनी द्वारा, जोमेटो द्वारा यहाँ पे जो देखने को मिल रही है, हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों की दोनों यहाँ पे पॉजिटिव ही देखने को मिल जा रही है, जिसका रिस्पांस आज मार्केट ने भी आप लोगों को प्लस में ही दिखाया हुआ है। आपने देखा कि आज कंपनी आप लोगों को हरे निशान में देखने को मिल गई है। सो दोस्तों, यहाँ तक तो न्यूज़ का जो सिलसिला था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी आते हैं जो लोग इस कंपनी को ऐड करना चाहते हैं, केवल न्यूज़ बेसिस पे ऐड करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो अभी से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको हम बता दें दोस्तों, किसी भी कंपनी को अगर आप लोग यहाँ पे ऐड करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को इसके फंडामेंटल्स जरूर चेक करने चाहिए। ठीक है, एंड अगर आप लोग यहाँ पे जोमेटो की बातें करेंगे, ठीक है, तो जोमेटो के अगर परफॉर्मेंस की बातें करेंगे तो इनका जो प्रॉफिट दोस्तों वो अभी तक हम लोगों को अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से अगर आप लोग इस कंपनी को अगर इग्नोर भी करना चाहें तो इग्नोर करके यहाँ पे चल सकते हैं। मेरे हिसाब से जब तक कंपनी का प्रॉफिट अच्छा देखने को ना मिले, ठीक है, पॉजिटिव में देखने को ना मिले, तब तक उस कंपनी को इग्नोर करना ही बेटर रहता है। देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर यहाँ पे आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, उसके लिए आप लोगों को मार्केट का काफ़ी नॉलेज होना चाहिए, तब जा करके शॉर्ट टर्म में पैसे बनते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं एंड यहाँ पे प्रेजेंट मतलब अभी हाल ही में मतलब एक बिगनर है जो इस मार्केट में अभी जुड़े हुए हैं, तो इस तरह के शॉर्ट टर्म से रिलेटेड आपके अगर
करना चाहते हैं तो मैं कह सकता हूं कि उसमें आप लोगों को घाटा भी हो सकता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग इस कंपनी से अगर दूर भी रहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम अमाउंट की बहुत सारी कंपनियां आप लोगों को मार्केट में लिस्टेड देखने को मिलेगी जो जोमेटो से काफ़ी अच्छी भी है, तो अगर आप चाहें तो उसको भी यहाँ पर देख करके चल सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको आपके सवालों के जवाब यहाँ पर मिल गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।